एंड वेलकम। इस वीडियो में एक और नई यूनिवर्सिटी का मेरिट लिस्ट हम लोग देखेंगे, क्या गया है कट ऑफ, कितने मार्क्स पे एडमिशन हुए हैं, और यहाँ पे जब आप कट ऑफ देखेंगे अलग अलग विषयों का तो आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आखिर कौन है ये यूनिवर्सिटी और किसका मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, वो भी काफ़ी कम मार्क्स पे एडमिशन हुए हैं। जैसा कि मैं आपको बहुत बार अलग अलग वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि जो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ यूनिवर्सिटी और जो मैं गाइड करता हूँ वो आपके रिकॉर्ड के हिसाब से गाइड करता हूँ। जो प्रीवियस ईयर का 2-3 साल का कट ऑफ रहा था उस यूनिवर्सिटी का, उसके हिसाब से स्टूडेंट का क्या रिएक्शन है। काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझसे जुड़े रहते हैं, अपना एक्सपीरियंस भी बताते हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको ही बताता हूँ इस बार क्या कट ऑफ रह सकता है। और आपको अगर लो मार्क्स है, अगर आपका किसी कारण से कम मार्क्स आ गया है CET PG में, तो कौन से यूनिवर्सिटी में आपको सेलेक्ट करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, ताकि आपका एडमिशन किसी ना किसी राउंड में हो जाए और आपका पैसा भी बच जाए। तो उसी कड़ी में जो कि बिहार की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि बिहार के मोतिहारी शहर में स्थित है, इसका कट ऑफ रिलीज किया जा चुका है। आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पे, सोशल साइंस का यहाँ पे कट ऑफ है, सोशल वर्क का, और अलग अलग सब्जेक्ट में जब आप देखेंगे काफ़ी कम कट ऑफ, तो आप भी चौंक जाएंगे। अगर हम बात करें टोटल सीट की, तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी की सीट है टोटल 16, वैकेंट है टोटल 16, OBC की 8 और वैकेंट है टोटल 8, यानी कि पहला कट ऑफ है ये। और यहाँ पे सीटें सारी की सारी ऊपर में लिखा हुआ मिलेगा वैकेंट ही, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि पहली मेरिट लिस्ट में अभी तक कोई किसी ने एडमिशन नहीं लिया, इस वजह से ऐसा कुछ लिखा हुआ है। आगे देखते हैं क्या कट ऑफ रहा है, ये तो आगे पता चलेगा जब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और स्पोर्ट राउंड का एडमिशन होगा, उसके बाद इसको देखने का मतलब है। अभी हम लोग देखते हैं क्या कट ऑफ रहा है कैंडिडेट का। 197 हाईएस्ट मार्क्स रहे हैं यूआर कैटेगरी में, और इसी तरह से अगर आप नीचे जाएंगे तो UR कैटेगरी से ही आप देख सकते हैं लिखा हुआ, जनरल कैटेगरी से 109 मार्क्स पे कैंडिडेट को एडमिशन दिया गया है, काफ़ी कम मार्क्स पे ही एडमिशन मान सकते हैं इसको भी। और UR में 105 नंबर पे भी एडमिशन हुए हैं। OBC कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 71 मार्क्स पे एडमिशन हुए हैं, OBC में जस्ट 55 मार्क्स पे ही एडमिशन हो गए हैं। SC कैटेगरी में तो 39 पे ही एडमिशन हुए हैं, और EWS कैटेगरी में तो 70 मार्क्स पे ही केवल एडमिशन दिया गया है स्टूडेंट को। अलग अलग और सब्जेक्ट का मैं आपको दिखा देता हूँ, एक दो और सब्जेक्ट का, उसके बाद मैं बताऊँगा कि अभी तक कितने सब्जेक्ट का यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। एक दो और सब्जेक्ट का देख लेते हैं क्या कट ऑफ गया है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको कैसे डाउनलोड करना है पूरा कट ऑफ को। ये आपका पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ, काफ़ी स्टूडेंट इस सब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं, इसलिए मैंने इसको पिक किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल जो सीट है वो 33 है ऊपर में। और अगर हम कट ऑफ की गाइस बात करें तो फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ है वो 204 गया है हाईएस्ट मार्क्स जनरल कैटेगरी का। अगर आप नीचे आएंगे देखेंगे जनरल कैटेगरी में कितने कम मार्क्स पे एडमिशन हुए हैं, तो जनरल में 129 मार्क्स पे भी फर्स्ट राउंड में एडमिशन मिला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी कम मार्क्स पे यहाँ पर एडमिशन होते हैं। जैसे ही सेकेंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, फोर्थ मेरिट लिस्ट जारी होगा, वहाँ पर आप देखेंगे कि सिर्फ 40-50-30 मार्क्स वाले का भी ये लोग एडमिशन दे देंगे। तो अगर आपका इससे कम भी मार्क्स है और अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है अभी तक, तो आप वेट करेंगे, एडमिशन हर हाल में आपका हो जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कम मार्क्स पे एडमिशन हुए थे पिछले साल भी और उसके पिछले साल भी, तो आप इंतज़ार करिए एक राउंड, दो राउंड और का, और आपका एडमिशन हो जाएगा चाहे कितना भी कम मार्क्स है। क्योंकि जितने स्टूडेंट का नाम है इसमें से 30% भी स्टूडेंट फर्स्ट कट ऑफ के आधार पर एडमिशन यहाँ नहीं लेने वाले हैं, और ले भी लेंगे तो चांसेस ज़्यादा हाई है कि उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट अपना एडमिशन कैंसिल करा के किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेंगे, यहाँ नहीं पढ़ना चाहेंगे। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो आप सभी देख सकते हैं 130 मार्क्स पर भी OBC कैटेगरी में कट ऑफ गया है। उसी तरह से EWS कैटेगरी आप देख सकते हैं सिर्फ 103 मार्क्स में ही MA पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में यहाँ पे कैंडिडेट को एडमिशन दिया गया है। तो जैसे जैसे आप वेट करेंगे यहाँ पे और भी कट ऑफ लो जाएगी, 4 राउंड तक का यहाँ पे कट ऑफ रिलीज किया जाएगा, उसके बाद भी अगर सीट बचती है तो डायरेक्ट एडमिशन या फिर मॉपअप काउंसलिंग या फिर किसी तरह का और काउंसलिंग आयोजित किया जाएगा और एंड देन एडमिशन लिया जाएगा। तो देखते हैं अभी कौन कौन से विषय का यहाँ पे मेरिट लिस्ट रिलीज किया गया है, उसके बाद आगे मैं बताऊंगा कि कितना टाइम लगेगा बाकी विषयों का मेरिट लिस्ट आने में। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कौन कौन से अभी सब्जेक्ट का मेरिट लिस्ट रिलीज किया जा चुका है MGCUB की तरफ से। MA इंग्लिश का, MSc बायोटेक्नोलॉजी का, MSc जियोलॉजी का, MSc बॉटनी का, केमिस्ट्री का, MSc फिजिक्स का, MA पॉलिटिकल साइंस का, MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, MA MCOM का, MSW का, और मास्टर ऑफ लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन साइंस का है। तो इतने सारे सब्जेक्ट का अभी तक मेरिट लिस्ट, फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट रिलीज किया जा चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पर। आगे आप लोग देखेंगे
आज शाम तक और भी कुछ विषयों का यहाँ पे मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। और अगर आपका इनका नाम अगर लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप अपना ईमेल चेक करेंगे, ईमेल पे ही सारी डिटेल आपको दी जाएंगी कैसे आपको एडमिशन करना है। और अगर आपका एडमिशन शॉर्टलिस्टेड अगर आप होते हैं तो आपको एक ईमेल जाएगा और ईमेल में ही लॉगिन का लिंक भी रहेगा, वहाँ से आप अपने यूज़र आईडी से लॉगिन कर पाएंगे और पेमेंट का ऑप्शन आपको साइड में मिलेगा, तो वहाँ से आप पेमेंट करके एडमिशन ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, आगे किसी और यूनिवर्सिटी का फर्दर कोई अपडेट आता है तो मैं इसी चैनल पे आपको अपडेट प्रोवाइड कराऊंगा। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।